पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हमारी मांगे पूरी करो, वी वांट जस्टिस। लगातार लगाओ ना, लगातार हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। अभी हम वन भवन जम्मू में हैं और यहाँ पे कुछ यूथ जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इनकी मांग है कि इनको SRO 43 के तहत जो है इनको जॉब्स दी जाएं, और SRO 43 के तहत इनकी जॉब्स की डिमांड जो है पिछले 4 साल से ये डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिसको लेके आज जो है इनके आखिर इनको जो है प्रोटेस्ट पे जो है उतरना पड़ा है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सईद इत्तेजा अंदराबी है। क्या मसला है जहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या पूरी डिटेल है? सर देखिए, प्रोटेस्ट करने का मकसद यही है कि सर जो SRO 43 है, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी डेथ हो गई है। हुआ कब था, क्या हुआ था सारा पूरा? सर उनकी 2018 में डेथ हो गई थी, तो तब से लेकर आज तक हम यहाँ पे दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, हम सेक्रेटरेट के चक्कर काट रहे हैं, कभी कमिश्नर मैडम के पास, कभी PCCF के पास, लेकिन हमारी आज तक कोई भी डिमांड नहीं सुनी जा रही है। हमें बस वो एक मतलब रद्दी के बक्से में हमारे वो डिमांड से उनको फेंक दिया गया है। किस पोस्ट पे काम कर रहे थे वो, और क्या किन कारणों से उनकी डेथ हुई, और कब से आपने जो अप्लाई किया है SRO 43 के तहत? जी 2018 से ही मैंने अप्लाई किया है। उनका जो पोस्ट था वो था फॉरेस्टर, लेकिन जो इन्होंने वो जो 2016 से जो मैं भी आपको ऑर्डर दिखा रहा था, वो 16 से 19 तक जो इन्होंने SRO 43 के तहत इन्होंने 111 ऑर्डर्स इशू किए हैं जो, और उनकी पोस्ट थी फॉरेस्ट गार्ड। लेकिन 2019 में एक सर्कुलर जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से निकला, तो उन्होंने उसमें बोला कि आप SRO 43 के लिए 10% जो है क्लास 4th का कोटा रख दीजिए। लेकिन जब हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, हमें वहाँ बोलते हैं हमारे पास क्लास 4th की वैकेंसी नहीं है। अगर इनके पास सर वैकेंसी नहीं है, तो एक रूल होता है कि अगर आपके पास डिपार्टमेंट के पास वैकेंसी नहीं है, आप इन केसेस को रेफ़र कर दीजिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। लेकिन तब से लेकर आज तक हम 2 साल हमारे मतलब दरबदर हो चुके हैं, ना ही कोई एक्शन ले रहे उन फाइल्स पे, ना ही GAD में ही, वहाँ भी रेफ़र नहीं कर रहे सर। हमारी कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, नौकरी भी नहीं है, जो मतलब घर का एक रोज़गार था वो भी ख़त्म हो चुका है। जी आप हमारी प्रॉब्लम्स का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हम ऑलमोस्ट 40 कैंडिडेट्स हैं फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन हम यहाँ पे चंद ही बंदे जमा हुए हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बंदे बाकी है फार फ्लंगड एरिया से, कुलगाम, शोपियान वगैरह, कश्तवाड़ से, राजौरी से, पुंछ से, सर उनके पास गाड़ी यहाँ आने का किराया तक नहीं है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसा कि हमारी बहन ने अभी बोला कि इनके पास छोटी बहन है, मम्मा बीमार रहती है, तो सर ये अगर गवर्नमेंट अगर आर्टिकल 370 जो हट गया है उसके तहत जो LG साहब यहाँ पे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनका यही है कि सर बेरोज़गारी हटे, जो कि ग्रीवेंसेज है पब्लिक की, वो उनका जो उनका उनके मसाइल सारे हल हो। लेकिन आप देख सकते हैं सर हम कैसे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, पिछले 3 सालों से इनके चक्कर काट रहे हैं हम। जी जी सर। ठाकुर साहब थोड़ा, क्या नाम आपका? मेरा नाम सनी ठाकुर है सर। सनी, क्या पूरा हुआ था हादसा, क्या हुआ था और कितनी प्रॉब्लम्स का आपका सामना करना पड़ रहा है, और कब से आप यहाँ के चक्कर लगा रहे हैं? सर ये ईयर 2019 फरवरी में उनको क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से उनकी डेथ हो गई, तो 2019 मार्च में मैंने अपना केस फाइनल किया और मैंने वो श्रीनगर में सबमिट किया था सर। तब से लेकर आज तक कभी श्रीनगर में, क्योंकि दरबार मूव होता है तो ये ऑफिस वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो कभी हम श्रीनगर, कभी जम्मू, कभी सेक्रेटरेट, ऐसे सर दर बदर ठोकरें खा रहे हैं सर, लेकिन हमारी मांगें कोई पूरी नहीं कर पा रहा, हम पे कोई, हमारी फाइल जहाँ है वहीं पे पड़ी हुई है सर। जब इन बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठने वाले लोगों से मिलते हैं, इनका क्या रवैया रहता है, क्या कहा जाता है उनकी तरफ से? सर अब देखो, मैं 10+2 हूँ, ऊपर से सर मेरी ग्रेजुएशन ऑन प्रोसेस है सर। जब भी हम इनके पास जाते हैं, कहते हैं, यही कहते हैं कि आप जाओ, आप पढ़ाई करो, जब होगा तो हम आपको बता देंगे। लेकिन जैसा कि हमारे अंदराबी भाई ने बताया सर, 2016 टू 2019 के बीच में इन्होंने 111 पोस्ट जो है अंडर SRO 43 ऑफ 1994 के तहत लगाए फॉरेस्ट गार्ड, उनमें से 45 उन्होंने जम्मू डिवीजन से और 66 इन्होंने कश्मीर डिवीजन से लगाए सर। ये सर्कुलर हमारे पास पड़ा है सर, इनको अगर ये लग सकते हैं सर, हमारे लिए क्यों ये सर बंद है सर? हमारे कितना निर्भर करते हैं आप इस जॉब पे? सर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं सर। मेरा भाई है वो GDC में पढ़ता है, मेरी मदर है सर, हम जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया, बड़े बैकवर्ड एरिया से आते हैं सर, वहाँ से वहाँ का किराया, कभी किराया होता नहीं है तो किसी से लेना पड़ता है सर, तो 10-12 हज़ार पे सर ऐसा गुजारा नहीं होता, इसलिए हम मांग कर रहे हैं सर कि हमें जल्द से जल्द ये मुहावा कराए सर। तो ये यूथ यहाँ पे जो है दर बदर की ठोकरें खा रहा है, पिछले 3-4 सालों से जो है ये यहाँ के चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं, और SRO 43 के तहत जो है ये अपनी जॉब्स जो है वो मांग रहे हैं, और
फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग कैमरामैन शाहनवाज के साथ।